वचन वाली काया सेलानी अरे थे तो पावना कंचन वाली काया अरे सेलानी। यो भजन चित्तौड़ जिला में एक गांव है नेवरियो, और नेवरिया में एक बहुत बड़ा कथावाचक बहुत बड़ा संत गया जनारो नाम भैरव शंकर जी महाराज। और भैरव शंकर जी रा जीवन में अत्रा अत्रा बढ़िया भजन है, अणि मु यो भजन निकाल्यो और अणि इंसान ने बतायो कि हे जीवड़ा अणि मनक जमारा में आयो खातो पीतो हूतो थारी जिंदगी अटी खत्म वेगी। अने जिंदगी नहीं कहवे, अरे जिंदगी कने कहवे जो मुंह बताऊं बना लिखियो भैरव शंकर जी क्यों कि कंचन वाली काया सेलानी थे तो पावना अरे एक दिन जावाला अरे पाछा नहीं आवाला। सेलानी ने तो पावना अरे कंचन वाली काया है सेलानी ने तो पावना अरे एक दिन जावाला अरे पाछा नहीं आवाला अरे एक दिन जावाला अरे फिर नहीं आवाला। पहली बात कई बताई ध्यान हूं जो के अरे लेना में छो ले लो रे अरे लावा थरा हाथा सो अरे लेना में छो ले लो रे अरे लावा थरा हाथा सो कर लो अरे कर लो भलाई। मंदिर गया मेरी ओर देखे मंदिर गया पुजारी ने कहा बेटा हिंदू बन जा। मंदिर गया पुजारी ने कहा बेटा हिंदू बन जा। मस्जिद गया मुल्ला जी ने कहा बेटा मुसलमान बन जा। अरे दर बदर ठोकरे खा रहा था अपने वजूद को पाने के लिए, तब मेरी माँ ने कहा पहले इंसान तो बन जा, पहले इंसान तो बन जा। बोलो अमरती है अणि मुंडा वाली वाणी सो अरे बोलो बोलो अमरती है अणि मुंडा वाली वाणी सो कोई फर्क गलत है यो अरे फूला वाली परमल छोड़ अमर होई जा भोला। फूला वाली परमल छोड़ अमर होई जा भोला।
ए जीवड़ा अरे धरती पे आयो तो मुंडो मीठो बोल लो कने कड़वो नहीं बोल लो कनो हाउ नहीं कर सका तो कनो खराबी कनो हाउ नहीं कर सका तो कनो खराबी नहीं करनो मगर आज काल नो जमानो अलग है। आज रा जमाना में लोग खुदरा दुखाऊं दुखी नहीं है। आज रा जमाना में लोग खुदरा दुखाऊं दुखी नहीं है। परायरा सुखाऊं दुखी है। दूजो होरो क्यों है? हाँ, दूजो होरो क्यों है? दूजारा घर में अतरा रीपा का है? मुंह कड़को क्यों? अनिलिये बोले हैं जीवड़ा।